हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की फर्स्ट अपडेट है कैरी मिनाटी से रिलेटेड। हम सब ने कैरी मिनाटी को दूसरों को रोस्ट करते हुए तो देखा ही है, लेकिन कैरी मिनाटी खुद को ही रोस्ट किए, आप देख सकते हैं। ऑल इन ऑल काफी बेवकूफ हूँ मैं, और इन जनरल मुझे ज्यादा चीजें पता नहीं है। थोड़ी बहुत पता है, बकचोदी करनी आती है, और नेटफ्लिक्स वाली इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आती है, इसलिए शायद थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ मैं। उसके अलावा बहुत जरूरत है मुझे, एक नया जन्म लेने की जरूरत है, और थोड़ा और दिमाग दिया जाए मुझे प्लीज। नेक्स्ट अपडेट है UK07 राइडर से रिलेटेड। UK07 राइडर बताए कि उनका हार्दिक पांड्या के साथ एक कोलैब वीडियो आ सकता है, इस पर वो क्या कहे आप देख सकते हैं। जिस गुड न्यूज के बारे में मैं आपको बता रहा था गाइस, वो गुड न्यूज फाइनली हमारे पास है। मैं आपको बता देता हूँ, बाबू भैया को मौका मिला है गाइस हार्दिक पांड्या भाई के साथ एक कोलैबोरेशन करने का। दिस इज गोना बी माय फर्स्ट बिगेस्ट कोलैबोरेशन एवर। जिन क्रिकेट टीम प्लेयर्स को हम लोग इंडिया रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं गाइज, इंडिया के लिए इतना प्राउडली खेलते हुए देखते हैं, मेरे को मौका मिला है कि मैं उनके साथ जा करके कोलैबोरेशन कर सकूं, उनके साथ घूम सकूं। एंड दिस शो इज माय बिगेस्ट कोलैबोरेशन। ये ऑलरेडी एक महीने से चल रहा था एंड इसकी डेट 24 की फिक्स हुई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था, एंड इसीलिए गाइज मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया। हम लोगों ने ना डिलीवरी का प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि ये पहली गुड न्यूज है। दूसरी गुड न्यूज मैं आपको कल ड्रॉप करूंगा। एक आप लाइक इस हफ्ते ना लोग बहुत खुश होने वाले, क्योंकि जितनी मेहनत करिए ना, जब से बिग बॉस के घर से बाहर आया हूं तब से इतनी सारी चीजें, इतने सारे ऑफर्स मिले थे, एंड धीरे धीरे नाउ इट्स द टाइम टू प्ले द कार्ड्स। ये मेरी अभी तक की सबसे बड़ी कोलैबोरेशन होने वाली है, कांट टेल यू कितना एक्साइटेड हूं। नेक्स्ट अपडेट है योयो हनी सिंह से रिलेटेड। तो 9 साल पहले योयो हनी सिंह एंड उर्वशी रौतेला का एक सॉन्ग आया था लव डोज नाम से, एंड काफी पॉपुलर भी हुआ था, एंड वो कुछ अपडेट्स भी दिए अपने न्यू सॉन्ग से रिलेटेड। इस पर हनी सिंह क्या कहे आप देख सकते हैं। 15 मार्च को मेरे जन्म दिवस पे इस गाने को लॉन्च करेंगे। गाने का नाम लव डोज 2 नहीं है, सिर्फ एक सबसे बड़ी बात यह है कि उर्वशी है दोबारा से इसमें, और एक जहाँ मैंने स्टोरी छोड़ी थी उसका एक कॉन्टिन्यूशन है, और कंसेप्ट बहुत अलग है इस गाने का, उस गाने से कोई लेना देना नहीं है। और आज की बात है, नई बात है, मतलब 10 साल पहले वो मुझे पसंद आई थी वेस्टफील्ड की शॉपिंग आर्केड में, और मैं उसके पीछे नाचने लग गया, और फाइनली वो एंड में वो डांस करती है और उसके मैं थैले उठा के उसके पीछे पीछे चले जाता हूँ। तो वो कहानी 10 साल पुरानी थी, अब 10 साल बाद क्या कहानी है हमारी इस छोटे से क्विक डांस म्यूजिक वीडियो में। नेक्स्ट अपडेट है फ्लाइंग बीस से रिलेटेड। तो फ्लाइंग बीस मिले योयो हनी सिंह से, एंड वो कुछ अपडेट्स भी दिए अपने न्यू सॉन्ग से रिलेटेड। इस पर वो क्या कहे आप देख सकते हैं। क्या सरप्राइज आने वाला है। हाँ, हम लोग लव डोज का सीक्वल कर रहे हैं, और 10 साल बाद मैं डांस कर रहा हूँ इतना सारा। 85% डांस है पूरे गाने में, और जनरली लव डोज में भी वही था कि मैं सड़क पे बैठा होता हूँ और एक लड़की शॉपिंग करने आई होती है, मुझे पसंद आती है, मैं उसके पीछे डांस करना शुरू करता हूँ, और उसको मैं पसंद आ जाता हूँ बाद में, और मैं उसके थैले उठा के उसके पीछे चल जाता हूँ। तो अब कहानी 10 साल बाद की है कि मैं फिर से एक शॉपिंग आर्केड में खड़ा हूँ, और उर्वशी आती है और मेरे लेफ्ट साइड वाला लड़का कहता है ब्रो इज़न्ट शी योर एक्स। अच्छा। हाँ, तो वो साथ में उसके एक अंकल होते हैं सुपर रिच बिलियनियर जिसको वो डेट कर रही होती है आजकल, शुगर डैडी। तो वो उसका बैग उठाया होते हैं। अच्छा। तो फिर दूसरा लड़का कहता है कि बट व्हाई शी इज विद दिस ओल्ड मॉडल। मैं कहता हूँ देकर आता हूँ उसको बेचारा लव डोज दोबारा से। अच्छा। फिर से मैं उसको तंग करता हूँ। अच्छा। तो गाने का नाम है बिगड़िया हीरा। अच्छा, हमें लगा लव डोज 2.0 ही है। नहीं, बिगड़िया हीरा गाने का नाम है। अच्छा।